बाबा गुरु घासीदास जी के 267वीं जयंती के समारोह में भिलाई सेक्टर 6 सतनाम भवन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में जहां जहां भी सतनामी समाज के लोग रहते हैं, वहां समाज के लोग बाबा जी को याद कर रहे हैं। बाबा जी का जो संदेश है मानवता और समाज के लिए बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया है जो सत्य के रास्ते पर चलना सिखाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल अभी 5 दिन हुए हैं, काम करने दीजिए। पहले ईवीएम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना और कहा कि जो चर्चाएं हो रही है उसमें लोगों को विश्वास नहीं है। मशीन के अंदर है क्या? लोगों का कहना है कि हम वोट डाले हैं, हमारा वोट गया कहाँ? हमने अपने पूरे परिवार का वोट डलवाया है लेकिन गया कहाँ? कई जगह बहुत ज्यादा वोट मिले हैं, कई जगह मशीन खराब होने की खबर सुनने को मिली है, तो ऐसे में लोगों के मन में शिकायत है, तो एक बार मत पत्र से वोटिंग होना चाहिए। राज्यसभा में सांसदों के निष्कासन के मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी आवाज उठाए उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। असम्मति का सम्मान अब इस देश में नहीं है। कोई भी आवाज उठाए दबा देने की नीति है, उसके तहत किया जा रहा है, सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। जी की जयंती पूरे प्रदेश में और देश में जहाँ जहाँ भी हमारे सतनामी भाई बहन निवास करते हैं वहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धा पूर्वक बाबा जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी का जो संदेश है वही आज मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने मनखे मनखे एक समान का संदेश उन्होंने दिया। सत्य के रास्ते भी चलने के लिए उन्होंने कहा और वो हमारे लिए आज समाज में बहुत जरूरी है। किसानों के जो मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में लाई उसको घोषणा नहीं की, उसके एक किसान आत्महत्या कर लिया। देखिए अभी 5 दिन तो बना हुआ है, 13 तारीख को शपथ ले हैं, काम करने दीजिए उसके बाद कुछ बोलेंगे। भाई ये है कि जो चर्चाएं हो रही है उसमें लोगों को विश्वास नहीं है। मशीन के अंदर है क्या? क्योंकि कई जगह ये है कि हम वोट डालें, हमारा वोट गया कहाँ? हमारे पूरे परिवार के वोट डाला है लेकिन उतना वोट मिला नहीं है। कहीं जगह कुछ ज़्यादा आ रहा है, कहीं जगह मशीन खराब होने की शिकायतें मिल रही है। तो ऐसे में जब लोगों के शिकायतें हैं और एक अविश्वास पैदा हो रहा है तो होना ये चाहिए कि इसको एक बार कम से कम मत पत्र से मतदान कराना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में 92 सांसद सदन से डिस्कॉल्ड किया गया जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी लोकसभा में 34 सांसद किया गया राज्यसभा। ये तो मतलब ये है कि कोई भी आवाज उठाए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। असहमति का सम्मान अब इस देश में नहीं है और कोई भी आवाज़ उठाए उसे दबा देने के, कुचल देने की जो नीति है उसके तहत हो रहा है, ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।